नमस्कार दोस्तों, इन्फोटेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो प्रीवियस एग्जाम पेपर है, जो 15/2/2017 में लिया गया था, उसी के कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको DMRC का एग्ज़ाम पेपर के बारे में, यानी कि उसका सिलेबस के बारे में कुछ बता देता हूँ। जो भी बच्चे ITI जिस बच्चों ने कर रखी है और जो अपने ट्रेड से जो है फॉर्म भरेंगे, उन्हीं के लिए दोस्तों मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको। तो 75 का दोस्तों आपका टेक्निकल आएगा, जो भी आपकी ट्रेड है उसी से ट्रेड से रिलेटेड जो दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे 75। और 20 नंबर की GK होगी, 5 नंबर की मैथ, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की इंग्लिश होगी। तो टोटल ओवरऑल हो जाएंगे 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन जो होंगे आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका होगा और आपको जो है वो ऑनलाइन देना होगा। और दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम पेपर जब आप दे देंगे तो उसके बाद दोस्तों आपका इसी तरह से दोस्तों जो है आपका जो है आपके मेल पर जो है PDF फाइल आ सकती है, या जब भी इसके आंसर की आएगी तो इसी तरह से आप उसको दिखाया जाएगा। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, यही एग्ज़ाम पेपर होगा और इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप जो है वीडियो जो है दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसका आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें सामने, तो क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा नर्लिंग की जाती है। तो नर्लिंग जो की जाती है, नर्लिंग टूल द्वारा की जाती है, लेथ मशीन पर की जाती है। सामने आप देख सकते हैं, ये होता है नर्लिंग टूल, जिसके द्वारा जो नर्लिंग की जाती है। ठीक है, तो जिस तरह से आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब भी आपकी जो इसकी फाइल आएगी, जो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसकी आपको मेल आ सकती है या फिर आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है अपनी ईमेल आईडी के द्वारा। तो ये इस तरह से आपके पास PDF भी फाइल आ सकती है। तो जब भी आपको आंसर जो लगा कर आएंगे वो यहाँ पर दिया होगा, जो आप चूज़ करेंगे वो टू आंसर में जो दूसरा दिया होगा, इसलिए हमने टू लगाया तो टू होगा। और जिनके हिसाब से DMRC के हिसाब से आंसर सही होगा, उस पर जो राइट करके ग्रीन रंग का इस निशान इस तरह से बना होगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैंपिंग व टी बोल्ट से वर्क को क्लैंप किया जाता है। तो वह जो है दोस्तों दुर्घटना है, दुर्घटना से बचने के लिए जो टी बोल्ट और क्लैंप किया जाता है कोई भी जॉब को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप सामने देखें, ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से देखें, लैड का गलनांक बिंदु क्या है। ठीक है, तो लैड का गलनांक बिंदु जो थोड़ा ऊपर करते हैं हम, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं इसके, 450, 327, 900 डिग्री और 232 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लैड की हमने एक शॉर्टकट की भी बताई थी आपको, तो आप नहीं देखे तो दोस्तों आप उसको शॉर्टकट की देखें। ये सामने इस तरह से, ये जो हमने अपने कम्युनिटी टैब में जो है डाला गया था इस तरह से शॉर्टकट की, तो इसे आप देखें, पहले वहाँ समझाया भी गया था एक वीडियो में। अगर दोस्तों लैंड इस तरह की जो शॉर्टकट की देखनी है, तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जो है टेक्निकल क्वेश्चनों की जो है शॉर्टकट की देख सकते हैं वहाँ से। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, स्टील शीट को काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले चीजल चीजल के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशोध किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है हार्डवेयर टेम्पर। फोर्थ इसका आंसर है हार्डवेयर टेम्पर, जो इस बच्चे ने जो आंसर लगाया था वो भी फोर्थ लगाया था, तो इसका आंसर हुआ फोर्थ, यानी कि हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फाइव क्वेश्चन पे। तो फाइव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सर्वश्रेष्ठ संयोजन से हार्डनिंग प्रक्रिया विकसित होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है, यहाँ पे देखें फोर्थ इसका आंसर है, स्ट्रेंथ व नोच डक्टिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों शुद्ध हिंदी में ही क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जो लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। ठीक है, तो आपको जो सो जो आपको जो लाइक करते हैं आप जिस भी लैंग्वेज को, यदि हिंदी को लाइक करते हैं तो हिंदी को आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश में। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन दिया होता है ऑप्शन, हर किसी क्वेश्चन को आप हिंदी में और इंग्लिश में करके देख सकते हैं, जब भी आपके भी ऑनलाइन एग्जाम पेपर होगा DMRC का। ठीक है, तो ये फाइव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे। तो सिक्स क्वेश्चन दोस्तों ईजी क्वेश्चन है, बॉक्साइट आयक्स खालिस्तान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वहाँ जो है एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ये होगा हमारा सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट। सिक्स के बाद चलते हैं दोस्तों सेवन्थ क्वेश्चन। तो सेवन्थ क्वेश्चन आप यहाँ देखें, ब्रिज टूल में कटिंग एज से किसे शार्क के एक सिरे पर ब्रेज किया जाता है। तो ये सातवां दोस्तों सेवन्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं इसके, ये है टंगस्टन टिप, हाई स्टील टिप, सिरेमिक टिप्स और कार्बाइड टिप। तो इसका आंसर है कार्बाइड टिप। इसी तरह से दोस्तों DMRC में क्वेश्चन आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। थ्रेड क्वेश्चन है, पाइप डाई निम्नलिखित में से क्या बनाती है। दोस्तों इसका आंसर है एक्सटर्नल थ्रेड। तो आंसर की में दोस्तों टेपर्ड थ्रेड दिया गया था, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर होगा एक्सटर्नल थ्रेड। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आप ध्यान से पढ़ा करें। इसके बाद नाइन क्वेश्चन चलते हैं। तो नाइन क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में देखें इंग्लिश में दिया गया है। तो
दोस्तों हिंदी इंग्लिश में इसलिए दिया गया है, जो भी आप कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में पढ़ते हैं जिसमें आप राइट टिक लगा दिया, यानी कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और आपने जो है उस पर इंग्लिश में ही आंसर टिक कर दिया, तो आपका वो इंग्लिश में ही सेव हो जाता है, ठीक है। यदि आप हिंदी पढ़कर उसको राइट टिक करते हैं, या भी आप कोई भी जो बॉक्स होंगे सर्किल होंगे वो पढ़ते हैं, तो हिंदी में वो प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद 9th क्वेश्चन है, ए फिलर गेज इज़ यूज टू चेक, तो वहाँ होता है दोस्तों इसका आंसर दूसरा दिया गया है। अब देखें द डिफरेंट इन गैप बिटवीन मशीनिंग पार्ट, ठीक है। तो मशीन के पार्ट्स जो होते हैं उसके बीच जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, पीवीसी पाइप फिटिंग की उपलब्ध साइज रेंज है, तो 20 से 200 250 मिलीमीटर तक पाई जाती है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, देखें आप, विच वन ऑफ द बिलो इज शॉर्ट शाफ्ट इन ए मशीन, तो ये कह रहा है दोस्तों इनमें से जो कौन सा है जो शॉर्ट शाफ्ट कहलाया जाता है मशीन में, तो आंसर आप देख सकते हैं, एक्सेल दिया गया है, की दी गई है, कपलिंग दी है, तो स्पेंडल को बोल सकते हैं हम। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो है, बॉल बेयरिंग में आमतौर पर केज निम्नलिखित से किस चीज़ से बनाया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों पीतल, यानी कि ब्रास से जो है बनाया जाता है बॉल बेयरिंग का जो केज होता है। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, ए लॉकिंग डिवाइस इन विच ए स्लिप्ड क्वार्टर पिन इन इंसर्ट टू द ग्रूव ऑफ नट इज़ कोल्ड, ठीक है। तो थोड़ा इसको जूम कर देते हैं कि शायद आपको ना दिख रहा हो, तो यहाँ देखें पीडीएफ फाइल है दोस्तों, इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। तो नट इज़ कोल्ड, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कैसल नट। क्या कह रहा, कहना ये चाह रहा है दोस्तों, वह कौन सा जो नट है जिस पर जो है स्लिप्ड पिन लगाई जाती है और उसमें जो इंसर्ट में जो है उसके जो कॉर्नर पे ग्रूव कटे होते हैं, तो वहाँ होता है दोस्तों बस केसिल नट। आप सामने देखें ये होता है हमारा केसिल नट। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, द शैंक इज नरलिंग। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, द शैंक इज नर्ल्ड टू प्रोवाइड, यानी कि जो हम नर्ल्ड करते हैं, यानी कि नर्लिंग करते हैं, तो वो किस लिए की जाती है, तो वह जो दोस्तों जो की जाती है वो ग्रिप के लिए कहते हैं, यानी कि हमें कोई सी चीज़ सॉफ्ट पर ग्रिप हमें हाथ से पकड़ना हो या उस पर ग्रिप बनानी हो, तो वहाँ पर दोस्तों हम नर्लिंग करते हैं, ठीक है। तो 14वां क्वेश्चन कंप्लीट, इसके बाद चलते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, आप देखें सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मशीन में कई सारे हेड एक पंक्ति में होते हैं और वे अलग अलग चल सकते हैं, तो वहाँ होती है दोस्तों गैंग ड्रिलिंग मशीन। काफ़ी पहले ये क्वेश्चन हमने अपने आपको वीडियो में बताया भी था, तो वह गैंग ड्रिलिंग मशीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। 16 है, निम्नलिखित लैपिंग निम्नलिखित में से किस से की जाती है, तो दोस्तों हाथ व मशीन द्वारा की जाती है, दूसरा इसका आंसर है। यहाँ पर देखें आप, राइट का निशान लग रहा है इस पर। इसके बाद चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे, होनिंग एंड एब्रेसिव मशीन प्रोसेस इज एम्प्लॉयड ऑन, तो वहाँ होता है दोस्तों गन बैरल का प्रयोग किया, जब हम होनिंग मशीन का प्रयोग करते हैं वहाँ गन बैरल का प्रयोग करते हैं, बाकी ऑप्शन जो है ये इसका रॉन्ग है, तो इसका आंसर हुआ गन बैरल। के बाद है 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है, तो हम सबसे पहले पहला ही पढ़ते हैं, तो यही इसका आंसर है, यानी कि ये गलत दिया है। तो क्या कह रहा है इसमें, द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इनर मेजरमेंट, तो दोस्तों ट्विस्ट ड्रिल को जो है इनर मेजरमेंट से जो है उसको हम स्पेसिफाइड नहीं करते, तो यही इसका दोस्तों गलत है, बाकी सारे सही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है। सारे ऑप्शन दोस्तों पढ़ के नहीं सुना सकता आपको, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन, यू टेक टॉर्ड स्टील की माइक्रोन संरचना क्या है, तो वहाँ होता है दोस्तों पियरलाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पियरलाइट 19, और इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, जो पर लगे उच्च धब्बों को खालिशन द्वारा साफ व सटीक रूप से किया जाता है, तो वहाँ दोस्तों इस प्रयोग करते हैं स्क्रैपर, तो जो छोटे छोटे बर्स वगैरह जो लगे होते हैं किसी भी जॉब पर, तो उसको हम स्क्रैपर के द्वारा हटा सकते हैं। इसके बाद है 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर एंड गेट इन न्यूमेटिक सिस्टम, तो जो है उसका अदर नाम पूछा है न्यूमेटिक सिस्टम का, तो वहाँ होता है दोस्तों उसका जो है डुअल प्रेशर वाल्व जो है लगाया जाता है, जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें जो है डुअल प्रेशर वाल्व लगाया जाता है। इसके बाद है 21 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22, तो सोल्डिंग ऑफ लेड पाइप इज़ रेफर्ड टू विच वन ऑफ द ब्लो,
तो कह रहा है कि जब हम सोल्डिंग करते हैं किसी लेड के पाइप पर तो वहाँ पे हम किस चीज़ को रेफर करेंगे, तो वहाँ दोस्तों हम उसको पहले व्हिपिंग करेंगे यानी कि उसको साफ़ करेंगे, तभी हम उस पर सोल्डिंग कर सकते हैं। तो 23 का 22 क्लियर हुआ। इसके बाद है 23। 23 है सोल्डिंग सॉरी सोल्डरिंग सोल्डरिंग फॉल्स अंडर विच द टाइप ऑफ जॉइंट जॉइंट। तो वह दोस्तों सोल्डरिंग का जॉइंट होता है वह वीक होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए स्ट्रॉन्ग, वीक, और दो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं परमानेंट। तो ये उसका आंसर हुआ दोस्तों क्या, वीक वीक पॉइंट होता है सोल्डरिंग से जिसे हम करते हैं। 24 है, 24 है वह क्या प्रक्रिया है जिसे गेज ब्लॉक व फ्लैट को फिनिश करने के लिए उपयोग की जा सकती है। तो वह दोस्तों होता है लैपिंग। लैपिंग प्रक्रिया एक जो है इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हम किसी भी गेज ब्लॉक को आसानी से फिनिश करके उसको अच्छा कर सकते हैं यानी कि उसको अच्छी कंडीशन में ला सकते हैं। ठीक है, 25 चलते हैं। 25 है 25 क्वेश्चन दोस्तों देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन डिवीज़न वैल्यू ऑफ मेन स्केल ऑफ द वन ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर इज़। तो वन डिवीज़न का जो वन ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर का मान होता है वह होता है 1 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद है 26। 26 के बाद चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनों को की वजह से नट को ढीला पड़ने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों लॉकिंग डिवाइस का वहाँ हम प्रयोग करते हैं किसी भी कंपन से जो है कोई भी नट को खोलने से बचाने के लिए, तो वहाँ जो हम लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। 26 कंप्लीट हुआ। 26 के बाद 27। ऑक्सीजन वेल्डिंग में अधिकांश किस प्रकार के फ्लेम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वहाँ जो है न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखें ऑप्शन में दिया गया है न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो यहाँ दोस्तों एक दिया गया ऑक्सीएस्टली। दोस्तों यहाँ देखें आप ऑक्सीएस्टलीन फ्लेम दिया गया है, न्यूट्रल फ्लेम दिया गया, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दिया गया, तो यहाँ पर होता है न्यूट्रल फ्लेम। एक क्वेश्चन एक ऑप्शन का नीचे दिया गया है, तो इन्हीं में से आंसर है इसका न्यूट्रल फ्लेम। 27 कंप्लीट हुआ। 28 किसी मशीनिंग प्रक्रिया में कटिंग तरल का प्राथमिक कार्य है, कार्य क्या है। तो वह दोस्तों है घर्षण कम करना यानी कि जब भी कोई कटिंग ऑयल जहाँ भी हम देंगे मशीन में तो वहाँ होता है दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए जो है कटिंग ऑयल दिया जाता है। इसके बाद है 29 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेंट इज़ यूज अ बियरिंग। तो वहाँ दोस्तों बियरिंग में जो यूज़ करेंगे वहाँ ग्रीस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यदि आप इंफोटेड यूट्यूब चैनल के नोट्स पीडीएफ फाइल में बाय करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पीडीएफ फाइल में डाले गए हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इंफोटेड यूट्यूब चैनल को पूरा विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस चैनल पर तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सारे डाले गए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और काफ़ी सारे आपको वहाँ पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे जिस तरह से एग्ज़ाम में आते रहते हैं। दोस्तों इसके बाद है 13 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में 13 क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा, आगे आने वाली वीडियो में उसके आगे पार्ट डालेंगे। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कंपोनेंट इज हाइड्रोलिक पावर यूनिट। तो वहाँ दोस्तों वाल्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जल्दी ही इसका जो है दूसरा पार्ट डाला जाएगा, क्योंकि 75 टेक्निकल क्वेश्चन है तो आगे नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा उससे इससे आगे क्वेश्चन। और दोस्तों यदि आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों इस रेड बटन पर क्लिक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन से दोस्तों क्लिक करने से ये होगा कि जब हम नेक्स्ट वीडियो इसकी डालेंगे तो आप पे आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखें दोस्तों, ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।